एक बार अविनाश से राय लेते हैं साइंट पर. अविनाश, गुड आफ्टरनून. आपकी राय साइंट पे आज 70 रुपए नीचे. आई थिंक एक भी इन्वेस्टर यहाँ पे स्टे कर रहा, लेकिन आपने मैनेजमेंट को सुना, वो शायद इस पर कोई टिप्पणी कर भी नहीं सकते थे क्योंकि ये चंक जो था उन्होंने सेकेंडरी मार्केट से खरीदा था. आपकी राय साइंट पर. आई थिंक वीरेंद्र, अगर हम नतीजे देखें तो मुझे लग रहा है कि ओनली डिसअपॉइंटमेंट रेवेन्यू ग्रोथ पे आया है जो करीबन 2% बढ़ा है, लेकिन अगर हम इबिटा ग्रोथ देखें तो इबिटा ग्रोथ करीबन 26% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीबन 30% बढ़ा है. तो ये डेफिनेटली काफ़ी अच्छे नंबर है. और जिस प्रकार का बिजनेस सेगमेंट सियांट ऑपरेट करता है, जैसे कि रेलवेज और एरोस्पेस में इनकी काफ़ी बड़ी डोमिनेंस है. इन्होंने जो 4 एक्विजिशंस किए हैं उसका भी इम्पैक्ट आपको इन क्वार्टर्स में देखने को मिला है. तो मुझे लग रहा है कि जो लंबा निवेशक है उसको डेफिनेटली इस स्टॉक को डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बड़ा एक्विजिशन यू नो सेकंड हाफ में आता है और होपफुली यू नो ईपीएस एक्रेटिव भी है, तो मेरे ख्याल से इसमें डेफिनेटली बढ़त होगी. आज की जो सेलिंग आई है वो ज्यादातर मेरे ख्याल से एक पी इन्वेस्टर की एग्जिट के कारण हो रही है, कोई फंडामेंटल यू नो खराबी या रिजल्ट्स खराब होने के कारण नहीं हुई है. तो मेरे ख्याल से ये शायद इतनी बड़ी चिंता की विषय नहीं होना चाहिए जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहता है. तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली एक बाय ऑन डिक्लाइन वाली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे चैलेंजिंग माहौल में सियांट ने काफी स्ट्रांग प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया. राइट.